सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये कोचिंग क्लास जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रही थी। सिटी को बुलाना चाहिए, एमसीडी की बहुत बड़ी मिसग्रीफ है, तो उस चीज को इनको जस्टिफाई करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है, एमसीडी का फॉल्ट है, प्लस कंपनसेशन जाना चाहिए क्योंकि ये भारत के भविष्य है। मेरा खुद का कुछ दिन बाद मेंस का एग्जाम है, मैं वो छोड़ के यहाँ पे इसीलिए खड़ा हूँ। बच्चे सीढ़ियाँ बच्चे जो है सांस नहीं ले पा रहे थे, घुट घुट के मरे हैं बच्चे। सारे मैनेजमेंट और सारी व्यवस्था सारी सिस्टम मिलकर इसको छिपाए रही है। उनके नीचे जो बड़े नाले हैं, जो ब्लॉक रहते हैं उसमें करप्शन होता है, इसी वजह से ये नाले ब्लॉक है और ये हर साल होता है। तो उन्होंने रियल डेटा नहीं बताया, अभी मैम ने बस 3 कैजुअल्टी कंफर्म की है। कैजुअल्टी में 3 कैजुअल्टी नहीं हुई है, 30 प्लस कैजुअल्टी गई है। 30 प्लस नमस्ते, मेरा नाम आदित्य, आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं राजेंद्र नगर का जो लगा है, कल यहाँ पर बड़ा ही दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। राहुल आईएएस की कोचिंग है, राजेंद्र नगर का ये इलाका है, मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर ये इलाका है। यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए देश भर से बच्चे आते हैं। कल एक बड़ा दर्दनाक हादसा यहाँ पर एक बिल्डिंग में हुआ है। बेसमेंट में एक लाइब्रेरी संचालित थी और शाम को 7:19 पर दिल्ली पुलिस के पास एक फॉर्म पहुंचा है कि यहाँ पर अचानक से एक लाइब्रेरी में पानी भरना चालू हो गया है। जब वहां पर जाकर के लोगों ने रिपोर्टिंग ली है तो 3 बच्चे अंदर फंसे हुए पाए गए हैं और अब तक 3 लोगों की लगभग डेथ हो चुकी है। और पूरा पुलिस प्रशासन, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, पूरा लवाजमा, आई यूपीएससी के बच्चे यहाँ पर अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, असली मामला क्या, क्या नाम है? मयूर। मयूर भाई इत्मीनान से बताइए, क्या आप कल 8 बजे से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कल रात से मैं यहाँ हूँ। आपको कब पता चला था? हम लोगों को शाम को ही पता लग गया था, बट जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी तब सब एस्पिरेंट्स आने लगे, तब एजेंसी ने बढ़ाया, तब गाड़ियां आने चालू हुई, तब मोटर्स उनके इक्विपमेंट्स आने चालू हुए, जब यहाँ पे मॉब बढ़ गया। और उसके बाद भी हम लोग 10 घंटे रुके रहे, उन्होंने रियल डेटा नहीं बताया। अभी मैम ने बस 3 कैजुअल्टी कंफर्म की है, पर कुछ एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि अंदर कुछ लोग थे, तो उनका क्या है, हमें उनका जानना है, उनकी हालत कैसी है, वो कहाँ पे है। पहला सवाल तो ये है कि कैजुअल्टी ओपन नहीं की जा रही, एक्चुअली में कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने कुछ हॉस्पिटलाइज? अभी एक डीसीपी मैडम थी, उन्होंने कैजुअल्टी ओपन की कि देयर आर 3 कैजुअल्टीज, उतना हमें अभी पता लगा है। बट जो सेफ है वो कहाँ है और उनको किस हालत में रखा गया है, उनको क्या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दी जा रही है, वो हमारा मेन कंसर्न। अच्छा, दूसरा, अब जैसे जस्टिस की आप मांग कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हो, तो उसमें कुछ ड्राफ्ट तैयार किया है कि क्या आप लोगों की मांगे हैं? अभी के लिए हमें बस ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अभी के लिए पूरी प्रोसेस खत्म कीजिए। और कंपनसेशन का यहाँ पे ग्रुप है, उनसे बात करके ही सब चल रहा है, कमेटी डिसाइड करेगी आप लोगों। यस यस, टेलीग्राम पे हमारा सब लोगों का ग्रुप बना चुका है, वहाँ पे डिस्कस करके ही होगा। कल रात ही डिसाइड हुआ था 10 बजे यहाँ आएंगे और ज्यादा से एस्पिरेंट आ गए हैं, तो वही। अच्छा, प्राइमरी तौर पे इस पूरे प्रोसेस में दोषी किसे मानते हैं? दोषी कोचिंग स्टूडेंट, क्योंकि ये सेम इंसिडेंट पिछले साल भी हुआ था, बस आग लगी थी कोचिंग, आग नहीं, इसी बिल्डिंग में पानी बेसमेंट में गया था। अच्छा। शायद वो लोग वेट कर रहे थे कैजुअलिटीज हो, तब हम लोग उस पर एक्शन ले, उसके बाद भी गंभीरता से नहीं लिया चाहिए। नहीं नहीं, पिछला एमसीडी ना कोचिंग नहीं, और एमसीडी का मेन रोल है यहाँ पे। कुछ 2 दिन पहले पटेल नगर में एक एस्पिरेंट की मौत हुई, वो भी मेंस एस्पिरेंट, ये लोग भी मेंस एस्पिरेंट, इतने साल पढ़ के अगर नहीं, दो तीनों बच्चे मेंस के एस्पिरेंट, और हर गली में प्रॉब्लम है। एमसीडी का ना कोई सर्वे है, ना कोई है, ड्रेनेज से पानी ऊपर आता है, कहाँ है, सीवरेज उफान मारता है। लाइब्रेरी के यहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरीज है, उनका सर्वे नहीं है क्या? बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के लिए परमिशन है? अगर परमिशन नहीं है तो ये इंस्टीट्यूट चला रहे, तो गलती किसकी है, गवर्नमेंट की है या किसकी है? कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, कोई ही नहीं। आइए कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल होने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस राज है। प्रिंस राज, एक तो आप मुझे बताइए, अभी ऐसी कोई फैक्ट फिगर है कि कैजुअलिटी हुई कितनी है? देखिए, एक्चुअली ये सारा कुछ छिपाया जा रहा है, ये पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली कितने कैजुअलिटी हुए हैं, लेकिन हम लोग को जो जानकारी प्राप्त है अभी तक 30-35 बच्चे लाइब्रेरी के अंदर थे, और ये घटना घटने के बाद मतलब जहाँ तक ये जानकारी अभी तक अवेलेबल है कि 10-12 बच्चे का डेथ हुआ है, जो ये जाना जा बताया जा रहा है, लेकिन फैक्ट एंड फिगर जो मतलब गूगल पे दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे चल रहे हैं, उसमें 3-4 ही लोगों का बता रहे हैं, लेकिन ये कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है, 10 से 12 ज्यादा है, जो बाकी सारे चीज छिपाए जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि सारे मैनेजमेंट और सारी व्यवस्था सारी सिस्टम मिलकर इसको छिपाए रही है। कल रात से 8 बजे से बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कोई भी जवाब सुनने को तैयार नहीं, उनको उनसे मिलने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था जिसके मतलब इतने बच्चे मरे, जिनके बच्चे मरे उनके माँ बाप पे समझ में आ रहा होगा कि जिस इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन करवाए वो इंस्टीट्यूशन जवाब देने को तैयार नहीं है, सारा कुछ छिपाया जा रहा है। वहां से इतने बच्चे बैठे, यहाँ एक मुद्दा नहीं है,
हजारों मुद्दे हैं, लेकिन बात यह है कि जो पहले जो सबसे प्रथम मुद्दा है उस पर जवाब दिया जाए। आज ये बच्चे मरे हैं, कल हम लोग की बारी आएगी। यहाँ इस प्रोटेस्ट को, इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने के लिए बहुत सारे जेएनयू है वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया, और इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हम लोग प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश, को खराब करने का प्रयास किया रहा है। प्रोटेस्ट को चाह रहे हैं कि इस पर लाठीचार्ज और दब जाए। अलग अलग यूनिवर्सिटी से छात्र अपने छात्र नीति पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, और इसमें सारे व्यवस्था, पुलिस, इंस्टीट्यूशन, सारे मैनेजमेंट मिलकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से खत्म हो जाए, लेकिन हम लोग इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं होने देंगे जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, प्राथमिक तौर पर इसमें जिम्मेदार कौन कौन, किस किस प्राथमिक तौर पर आप जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन को, एमसीडी को, दिल्ली सरकार को, और इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी इंटरफेयर करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हुई है इसे जवाब दिया जाए। ये जो जगह है हमारे, ये बाजार बन चुका है जहाँ पे बच्चों के शिक्षा की दुकान है, जहाँ पे बच्चों के सपनों से व्यापार किया जा रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सर यहाँ पे अभी गर्मी की बात है, 48 डिग्री की टेम्परेचर था और बिल्कुल पानी का सप्लाई नहीं आया था, दो दो तीन तीन दिन बच्चे पूरा पानी पर रह रहा था बिना नहा, 48 डिग्री के टेम्परेचर में आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे कल आप कल मुश्किल से 40-50 मिनट बारिश हुआ, 40-50 मिनट में इतनी बारिश पानी भर गई है कि लोग डूब के मर रहे हैं। यानी अगर आप दूसरे एरिया में चले जाएंगे, लक्ष्मी नगर साके, वहाँ पर भी पानी नहीं होती है। सोचिए कल कल 40-50 मिनट की बारिश, इतना बुरा हाल है, 5-6 दिन किसी दिन बारिश हुआ क्या हाल होगा, 12-13 बच्चे कितने अभी पॉजिटिव का पता नहीं, कितने बच्चे मर गए यहाँ पे, क्या सेफ्टी। और यहाँ पे 3-4 लाख रुपए कोचिंग की फीस, रूम का एवरेज रेंट यहाँ पर 20,000, बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत पैसा खर्च। और उसके बिना भी हमें बिना गर्मियों बिना पानी का रहना पड़ा, बारिश में हम लोग घर के बाहर भी नहीं कर सकते, कैसे पढ़ाई होता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं सपने लेके, कितने सारे अनुमान लेके आते हैं, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया जा रहा है। सर बोला जाता है पानी की कटौती है, पूरी दिल्ली में पानी बिजली फ्री बांटा जाता है, और यहाँ पे पानी की कटौती का तीन तीन दिन चार चार दिन सप्लाई नहीं आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री। आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? यस। क्यों आई हैं आप यहाँ? यहाँ पे इधर बेसमेंट में पानी जमा हुआ था और बच्चों को, बच्चे अटक गए थे बहुत सारे, तो फिर उनको निकालने में इनकी असफलता रही है। तीन बच्चों की अब तक डेथ भी बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कैजुअलिटी अभी तक पता नहीं है। कैजुअलिटी तीन ही बच्चों की बता रहे हैं, फैक्ट फिगर छिपाए जा रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया आप किसको दोषी मानती है? सिस्टम का फेल्योर है, कोचिंग वालों की गलती है, स्टूडेंट्स की लापरवाही, कहाँ आप? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी गलती है। एक तो वो लाइब्रेरी इलीगल थी, पता नहीं थी कि मतलब वो लाइब्रेरी है, वो एक्चुअली स्टोर रूम था, सबको पता था कि वो स्टोर रूम है, बट वो लाइब्रेरी बना दी इलीगल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निधि तिवारी है। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आई हैं? जी, मैं भी प्रोटेस्ट में। कितने दिन से तैयारी कर रही है इस इलाके में रह के? लाइक मेरे को अभी 6 मंथ्स ही हुआ है यहाँ पे, एंड ये प्रोटेस्ट के लिए हम सभी लोग यहाँ पे शामिल है, हमारी 5 बजे रैली हुई है। अभी पीछे कुछ दिन पहले एक लड़का करंट से मर गया था, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उससे पहले भी एक कोचिंग बिल्डिंग में आग लगी थी, है ना? तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के बिहेवियर को आप किस तरह से देखते हैं? कि जो आप पिछले लड़के की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक्यूशन से उनकी डेथ हुई, और उसमें भी जो इन्होंने बोला कि कमेटी एक बैठा दी है, तो कमेटी बैठाने का तो कोई सेंस नहीं था, बिकॉज इट वॉज एन ओपन एंड शट केस। जहाँ का भी पटेल नगर का सीन था, वहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करना चाहिए, एमसीडी को बुलाना चाहिए, एमसीडी की बहुत बड़ी मिसग्रीफ है, तो उस चीज़ को इनको जस्टिफाई करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है, एमसीडी का फॉल्ट है, ये जो इनने हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया, इस चीज़ को भी ये पॉलिटिसाइज ही करने के फिर लगे हैं कि आपकी गलती है, बीजेपी की गलती है, ये किसी ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, तो गलती किसी की नहीं है, गलती हर किसी की है। यहाँ पे जो सिस्टम इनने से चला के रखा है, क्योंकि ये बहुत ही इलीगल है। अब पूरे ओआरएन में जाएंगे, 95 ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी जहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, कोचिंग चल रही हैं, भेड़ बकरियों की तरह बच्चे भरे जा रहे हैं। मैं आपको वही बता दूं कि 95% ऑफ द लाइब्रेरीज इन ओआरएन वो बेसमेंट में है। बहुत सारे जो सीवेज होते हैं, जो आपके वॉशरूम से बेसमेंट में, वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उधर से भी पानी आता है, इधर से पानी जाता है, उनके पास कोई चारा नहीं बचता निकलने का, ठीक है। और आप 95% देखेंगे, ये जो ओआरएन का एरिया दिखा रहे हैं, बहुत पॉश एरिया दिखा है, जो वायर्स इतने ऊंचे हैं ही नहीं, हमारे सर के इतने लेवल तक वायर्स लटकते हैं।
तो ये तो बहुत ही अलग एक सीन है. आप अंदर जाके अगर वारंट भी देखेंगे तो और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है. बट क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तारे कट रही है, तारे गिर रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और सुन नहीं रहे हैं. बट क्योंकि अभी इतना ज्यादा माहौल एकदम गर्म ही हो गया, तो अब वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मे बी सम कुछ एक्शन आपके आप लोगों को लगता है. वी आर एक्सपेक्टिंग कि सम एक्शन वुड बी टेकन. अच्छा, फौरी रूप से कुछ अभी भी वन जस्टिस आप लोग नारे लगा रहे हैं, फौरी रूप से कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ है, कुछ क्या मांग रखी गई है, ऐसा कुछ आपकी कमेटी ने तैयार किया? सर जो कल तक था वो तो यही था कि डायरेक्टर्स को बुलाया जाए, राहुल कोचिंग के जो ओनर राहुल आईएएस, हां उनके डायरेक्टर को बुलाया जाए. उनके डायरेक्टर को अभी तक बुलाया नहीं गया है. देन यहां पे इनके एमएलए को बुलाया जाए. कल आपने देखा होगा नेताओं की भी भीड़ लगी थी, बट उसमें भी ब्लेम गेम ही चल रहा था. तो हमारा पॉइंट तो यही है कि हमें जस्टिस चाहिए. और अभी हम आप आगे देख सकते हैं, तो आगे हम फिर यही करेंगे. और 5 बजे हमारी रैली होगी. और 5 बजे रैली होगी. तो राउज आईएएस की ये बिल्डिंग है, बेसमेंट इसमें कहीं है जहाँ पे लाइब्रेरी संचालित थी, और उसी में एकदम से पानी भरने से कैजुअल्टी हुई है. अभी बहुत सारे छात्र संगठन यहाँ पे, आम छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जेएनयू के, डीयू के, और देश के अलग अलग हिस्सों से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो विद्यार्थी आते हैं, वो यहाँ का आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार से. प्राइमरी तौर पर यहाँ पर कोचिंग संस्थान और एमसीडी को आरोपी बनाया जा रहा है कि कोचिंग संस्थान की लापरवाही की वजह से और एमसीडी द्वारा आमूलचूल व्यवस्थाएं माकूल ना करने की वजह से ये घटना घटी है. तो कहीं ना कहीं एमसीडी जो कोचिंग संस्थान है की जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं करती है. कोचिंग संस्थान बड़ी लापरवाही से 500-600 बच्चों के बैच चलाते हैं, तो ये एक कारण इसके पीछे रहा होगा. आइए हम और लोगों से बात करते हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, और लोगों से बात करते हैं. चलिए, हमारे साथ में विद्यार्थी हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. क्या नाम है आपका? अजय शर्मा. अजय जी, बताइए क्या आप बोल रहे हो कि वी वांट जस्टिस, तो आप सरकार से क्या मांगे आप? हमारी कुछ मांगे हैं जी. ठीक है, तो मांगे मैं आपको बता देता हूँ कि पहले प्रॉपर FIR रजिस्टर होनी चाहिए. ठीक है, राउज वाले जो IAS वाले जो है जो उनके ऊपर, और MCD में जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर, क्योंकि ये जो इस रोड के नीचे जो बड़े नाले हैं, जो ब्लॉक रहते हैं उसमें करप्शन होता है, इसी वजह से ये नाला ब्लॉक है और ये हर साल होता है. तो पहला हमारा राउज वाले पे एक्शन होना चाहिए, MCD में जो जिम्मेदार है उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाए, सिर्फ सस्पेंड ना किया जाए. ठीक है, MCD तो सर लापरवाह है ये भी. अभी पीछे कुछ दिनों पहले एक कोचिंग बिल्डिंग में आग लगी थी, उसके बाद भी MCD ने कुछ बिल्डिंगों पर कार्रवाई की थी, लेकिन अभी भी वही रवैया बरकरार है MCD का. हाँ, तो यही हम इस बार सिखाना है. आपने इस इलाके में 5 साल में प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा. हाँ. ये इस पूरे शायद दिल्ली का सबसे सिविलाइज इलाका होगा. हाँ. सबसे सिविलाइज बच्चे यहाँ रहते हैं, तो ये हम भी नहीं सिखा पाएंगे तो कौन सिखाएगा. तो वही सिखाने के लिए हम आए हैं कि MCD को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. यहाँ जो ये खुले वायर दिखते हैं, आप जाओगे पूरे ORN में खुले वायर है, मतलब इस हाइट तक के वायर है. अगर बारिश होगी तो वहाँ पे करंट लग सकता है. कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बच्चे की मौत भी हुई थी करंट लगने से, पटेल नगर में. हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक UPSC का बच्चा था. हाँ. उससे पहले पटेल नगर में एक महिला की मृत्यु हुई. हाँ, ये नाले ब्लॉक हो रखे, हमको वो सही करवाने. जो रोड पूरी खराब हो रखी है हमको वो सही करवाने. MCD से हमारा दो ही काम है, जिनकी जिम्मेदारी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, दूसरा जो ये आपकी जिम्मेदारी है वो आप पूरी की जाए. अच्छा, जो बच्चे जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, उनके लिए आप कुछ कंपनसेट भी मांग करते हैं? हाँ, कंपनसेशन की मांग की है. कुछ बच्चों का कहना है 1 करोड़, कुछ का कहना है 5 करोड़. ठीक है, उसमें MCD जिम्मेदार है, MCD भी वो कंपनसेशन प्रोवाइड कराए. सबसे बड़ी जिम्मेदार है ये कोचिंग क्लास जो इल्लीगल तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रही थी, तो उनको भी कंपनसेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि ये हमसे 2-2 लाख की फीस लेते हैं. उसके बावजूद अगर ये नहीं जिम्मेदार. बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा की दुकानें चल रही है इस इलाके. शिक्षा की दुकानें चल रही है. आज के टाइम पे भी 300 से 500 बच्चे एक पैक्ड क्लास में अगर हो रहे हैं, जहाँ से अगर भगदड़ मच जाए, आग लग जाए, कुछ भी होता है वहाँ से, तो 500 बच्चे एक गेट से कितने टाइम में निकल पाएंगे? एक बच्चे नहीं निकल सकते. नहीं निकल सकते. और आज भी हो रहा है, उस वहाँ पे आग लगने के बाद भी उससे उन्होंने कुछ नहीं सीखा, झटका लगने के बाद भी कुछ नहीं सीखा, इसलिए आज हमको सड़क पे आना पड़ा है. मेरा खुद का कुछ दिन बाद मेंस का एग्जाम है. हाँ. मैं वो छोड़ के यहाँ पे इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये हमारा कोर्स है. अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा? मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विस के 2022 से, और मैं यहाँ पे जो है 30 ब्लॉक में रह रहा हूँ. यहाँ सबसे पहले ये जो ऑफिशियल डाटा रिलीज किया गया है, 3 कैजुअलिटी और 3 कैजुअलिटी नहीं हुई है, 30+ कैजुअलिटी गई है. 30+? बिल्कुल, 35+. डेटा आप, ये डाटा जो है अनऑफिशियल, एक ऑफिसर ने 35 बताया है. और ये डाटा हम लोगों को, मैं आपको बता दूं, मैं वहीं पे था ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट के समय पे. ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है जिस समय 3 जो है बंदूक ले गया है वो एम्बुलेंस ले जाया गया, उसके बाद जो है उन्होंने पुलिस की गाड़ी को जो है हायर किया. पुलिस की गाड़ी में उन्होंने ब्लैक फिल्म लगाकर उसमें जो है कुछ ऐसे जो है अंदर जाते थे, और अंदर तक जो है कोचिंग के अंदर तक जाते थे. 7 से 8 बार उन्होंने गया, और 3 से 4 बार जो है जो ब्लैक पर नहीं है उसमें पता नहीं क्या लाद रहे थे. और ये 30-35+ आंकड़ा इसलिए बता जा रहा है क्योंकि -2 पे जो है
है, ये लाइब्रेरी है, वहाँ से जो है पानी भरने के बाद निकलना असंभव सा हो गया था। और बच्चे जो पानी का बहाव बहुत तेज था, बच्चे सीढ़ियां में नहीं चढ़ पा रहे थे, बच्चे सीढ़ियां बच्चे जो है सांस नहीं ले पा रहे थे, घुट घुट के मरे हैं बच्चे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, राव आई एस के डायरेक्टर ने किसी प्रकार की कोई कंटिलेशन नहीं जो है शो किया। और जो है सबसे बड़ी चीज, इस समय जो है 24 घंटे 18 घंटे हो चुके हैं लेकिन किसी की गिरफ्तारी तय नहीं हुई है। एमसीडी कमिश्नर यहाँ के जो किसी प्रकार का कोई, हर साल 3 से 4 फुट यहाँ पे पानी भर जाता है, उसकी कोई जवाबदेही एमसीडी कमिश्नर को होना चाहिए। एमसीडी कमिश्नर को यहाँ पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने पद से रिजाइन करना चाहिए। यहाँ का जो लेजिस्लेचर एमएलए, उन्होंने ड्रेनेज का बहुत बड़ा हवाला दिया कि ड्रेनेज सुधार उन्होंने किया है, लेकिन जो धरातल में है वो बिल्कुल झूठ है, धरातल में बिल्कुल उल्टा है। आप देख लीजिए 35+ जो स्टूडेंट बने हैं वो कोई नॉर्मल अभ्यर्थी नहीं था, वो भारत का भविष्य था, भी क्वालिफाई करने के बाद मेंस की तैयारी कर रहे थे ये सब बच्चे। कुल मिला के सामूहिक जिम्मेदारी है एमसीडी की, कोचिंग संस्थान की, दिल्ली सरकार की और जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसमें जुड़ी हुई है। इसमें एमसीडी की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग माफिया, कोचिंग डायरेक्टर उनकी है। अगर जो है कल शनिवार का दिन था, अगर उसमें क्लास चलती है 500 बच्चे होते, 500 बच्चे मरते, आपने ये नहीं समझ, आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता था, 500 बच्चे मरते हैं, पूरा भगदड़ से मर जाते। मैं भी बेसमेंट में पढ़ा हूँ, यहाँ पे हर जगह बेसमेंट में बना के धंधा चलाया जा रहा है। 500 बच्चों का इतिस मोरालिटी को बाहर में रख दिया गया है, 2.5 लाख की फीस लेते हैं, इतिस इंटीग्रिटी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, सिर्फ किताबों पे सिक्योरिटी मेजर्स के नाम पे ले धप्पू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल धप्पू बना दिया गया है इस सिस्टम की, बिल्कुल फेलियर है। और सिस्टम को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस सरकार को बिल्कुल अपने जो है संवेदना उन माँ बाप के साथ जो है व्यक्त करना चाहिए और आकर जो है हम लोगों को अकाउंट कर जो है जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको कंपनसेशन भी कुछ मिलना चाहिए। 1 CR तक का जो है कंपनसेशन देना चाहिए, 1 CR+ कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि ये भारत के भविष्य है। आप इस बात को उठाइए, आप इस बात को जो है अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाइए। और हमारा यही कहना है कि यहाँ पे ड्रेनेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 95% बेसमेंट में लाइब्रेरी है, उसको बंद करवाइए। आपने देखा कि किस तरह से हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़कों से बात की और पूरा घटना का नेपथ्य बताया। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले इस देश में इस तरह की घटनाएं आम हैं। हमारे जहन गिरफ्तार हो चुके हैं, हमारी सोच बाजारी हो चुकी है। इस घटना के 2-3 दिन तक हम गंभीर रहेंगे, 2-3 दिन बाद इंडिया कोई मैच जीत जाएगा, कश्मीर में कोई आतंकवादी हमला हो जाएगा या किसी सेलिब्रिटी की शादी हो जाएगी, हम उसमें मशगूल हो जाएंगे और जो कोर इश्यूज हैं हमारे, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, पढ़ाई के इश्यूज हैं, सबको हम भूलकर दरकिनार करते हुए सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाएंगे। बहरहाल ये हमारी आज की रिपोर्टिंग थी, मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरे पर है मेरे साथी नरेश, शुक्रिया।